अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ी विद यू। दोस्तों, मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर मैं जो है वो ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और जो है वो कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह भी मैंने की हैं, लेकिन जो है मैं कोई सही जॉब पे लग नहीं पा रहा और जो है वो मेरी कोई इनकम में इजाफा नहीं हो रहा, या मैं या आप यूँ कह सकते हैं कि वो उसका कहना का मतलब ये था उसके कहने का कि मैं सेटल नहीं हो पा रहा। एनीवे मैं उस बगैर उसका नाम लिए जो है वो पहले एक इसमें अपनी एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 29 साल की उम्र, हाथ में डबल मास्टर्स की डिग्रीज और मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज़ की 10-12 से ज़्यादा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, 8-10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं, ना गाड़ी ना घर और ना ही जो है वो लाइफ सेट। क्यों था ऐसा, ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो फ़िलॉसफी थी उस वक्त वो ये थी कि टैक्स के रेट ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था कहता था कि उनकी कंपनी पॉलिसीज अच्छी नहीं है और वेदर अच्छा नहीं है और दुनिया जहान की चीज़ें जो है वो, ये मेरी फ़िलॉसफी थी जिसको कहते हैं कंप्लेनिंग फ़िलॉसफी। और यही वह वजह थी कि सब कुछ होने के बावजूद मेरी जेब में ना पैसे थे और ना ही मेरी इनकम में इजाफा हो रहा था और ना ही मैं ग्रो कर रहा था। फिर मैंने अपनी फ़िलॉसफी के चेंज किया एंड आई यूज़ टू डिपेंड ऑन द फ़िलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस। फ़िलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कि जब मैंने अपने आप के ऊपर काम करना शुरू किया, अपनी फ़िलॉसफी को चेंज किया, अपनी जिम्मेदारियों को समझा, एंड आई बिलीव ऑन द फ़िलॉसफी ऑफ नॉलेज, फ़िलॉसफी ऑफ वैल्यू, फ़िलॉसफी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़िलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस। फिर टैक्स रेट भी वही थे, इन्फ्लेशन भी वैसी ही थी, पॉलिसीज भी वैसी थी और मौसम भी वैसे ही था, सारी चीज़ें वैसी थी, लेकिन बदला तो क्या बदला, मेरा इनकम लेवल बदला, मेरी लाइफ स्टाइल बदला और मेरी फ़िलॉसफी चेंज होने की वजह से यह सब कुछ बदला। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, अपनी वैल्यू को इनक्रीज़ करना है और फिर अपनी जो सबसे मेन चीज़ है वो है अपनी फ़िलॉसफी को चेंज करना है, कंप्लेनिंग फ़िलॉसफी से बाहर निकलना है और फ़िलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर बिलीव करना है, फिर आप भी इंशाल्लाह अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आप किस तरीके से अपनी वैल्यू को मार्केट में बढ़ा सकते हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर इसके अलावा भी आपके जहनों में कोई सवाल है तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ के तजुर्बे के लिहाज से जो भी मैं आपको बता सकता हूँ तो मैं आपकी मदद करूँगा उसके लिए। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।